नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का ग्रो अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में या आज हम जिस मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं उसके बारे में आप सभी को पहले से भी पता है। वो एक बार आपसे मिल चुके हैं, आपने कमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए थे, रिक्वेस्ट की थी, तो एक बार फिर से हम आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं अनुज सर से। अनुज सर DSSSB में आप सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। जूनियर असिस्टेंट मतलब भारत की सबसे कम कंपटीशन वाली भर्ती, अब तो आप सबको पता चल चुका है। मात्र 1,12,000 फॉर्म भरे गए हैं 2,350 पोस्ट के लिए। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, सर ने भी अपना मेरे कहने पे अपना खुद का एक चैनल बनाया है, DSSSB बाय अनुज सर। अगर आप DSSSB बाय अनुज बजाते हैं तो वहां पे एग्जाम वगैरह की संभावना कब है या प्रिपरेशन कैसे करें, या सर ने मात्र 46 UR में सिर्फ 46 वैकेंसी थी जब सर ने सिलेक्शन लिया था 2023 में, ज्वाइनिंग ली थी सर ने, तो 46 वैकेंसी में, और आपके पास 1024 वैकेंसी है UR की, तो 46 वैकेंसी में सर ने सिलेक्शन लिया, छोटी बात नहीं है भाई। इतने बच्चे तो आप ये मान सकते हो कि लगभग फॉर्म ही नहीं भरते इतनी कम वैकेंसी को देख करके। तो एक बार फिर से हम आपको मिलवा रहे हैं, सर से पूछेंगे जो भी आपके क्वेश्चन रह गए थे। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है ग्रो एकेडमी के चैनल पे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। साथ में एक सबसे फेमस क्वेश्चन जो बच्चों का चल रहा है कि सर क्या इसमें क्वार्टर मिलता है, हमारे जो बाहर के बच्चे हैं, राजस्थान के हैं, स्टूडेंट यूपी के हैं, वो सब जब दिल्ली में आते तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या इस जॉब में क्वार्टर फैसिलिटी है। जी सर बिल्कुल, हमें बिल्कुल क्वार्टर मिलता है, उसके लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उसके कुछ दिनों बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, एक पोर्टल रहता है ऑनलाइन, आप उस पर अप्लाई करेंगे तो एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता है, तो आपको जब आपका नंबर आएगा आपको डेफिनेटली क्वार्टर मिल जाएगा। ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाएगा, कितने समय वेट करना पड़ेगा? सर मान के चलिए आपको लगभग एक साल के करीब आपको क्वार्टर मिलने में लग सकता है, डिपेंड करता है, अगर पहले भी मिल जाए, लेकिन एक साल मान के चलिए। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जब आपको गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हो जाएगा तो आपको HRA नहीं मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट क्वार्टर का डिसीजन लेना है। एक और बात सर, इस टाइम YouTube पर सबसे फेमस क्वेश्चन है कि एग्जाम कब होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या बच्चों को इंतजार करना चाहिए कि भाई DSSSB का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा, या उनको तैयारी करनी चाहिए, और कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो अभी आप एग्जाम कब होगा ये सवाल भूल के अपनी तैयारी में लग जाइए। एग्जाम जब होगा तो मुझे लग रहा है इलेक्शन के बाद ही होगा, इलेक्शन से पहले होने का कोई चांस है नहीं, तो एग्जाम इलेक्शन के बाद ही होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, देखो भाई एग्जाम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अप्रैल मई आप सबको पता है कि चुनाव का दौर रहने वाला है, तो संभावना हम जता सकते हैं थोड़ी कम है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि मैं उस पे ना जाकर के अपनी तैयारी कंप्लीट कर लूं। वो बच्चे जिनकी तैयारी कंप्लीट है, जिन्होंने DSSSB का मॉक लगा लिया है, मॉक में उनके 150-160 नंबर है, अब उनके पास कोई काम नहीं है या वो करे तो क्या करे, तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर बताओ एग्जाम कब होगा। अगर आपके अभी इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, इससे कम में भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वहां जाकर आपको सब्र होना चाहिए, तो तब तक तैयारी में जुटे रहो और इस तरीके से करते रहो। सर तैयारी बच्चे कैसे करें वो और बताइए। सर सबसे पहले मैं तो कहूँगा आप अपने जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर लीजिए, आप पढ़ रहे हैं जहाँ से भी वहाँ से अपने टॉपिक्स कवर कर लीजिए, उसके बाद आप फिर मॉक टेस्ट की तरफ जाइए। तो पहला तो सवाल यही है कि अगर आपके टॉपिक्स तैयार हैं तो उनको आप रिविजन भी साथ के साथ करते रहिए। और फर्स्ट कैटेगरी में मैं बोलूँगा कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, प्री भी नहीं हुआ है, तो उनको तो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे, उसके बिना आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, तो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, सभी मैथ रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले ख़त्म कीजिए अपने। ठीक है भाई, वो बच्चे जिन्होंने पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने पढ़ाई तो कर ली है लेकिन एग्जाम कोई पास हुआ नहीं है, तो उनको जरूरत होती है एक जगह पे चुपचाप बैठने की, कोई कोर्स परचेज करने की, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से आपका मन करे उसको लीजिए, उसी की क्लासेस लीजिए और उसी की PDF रिवाइज कीजिए। आप चाहें तो ग्रो अकेडमी का, आप सबको पता है कोर्स चल ही रहा है, तो ग्रो अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जा करके, वहां से भी आप जा करके जूनियर असिस्टेंट का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम निकाल लिया है वो मॉक टेस्ट पर चले जाइए, तो सीधा सीधा ये प्रिपरेशन का रहता है। सर सैलरी वगैरह का क्या कुछ रहता अराउंड, क्योंकि बच्चों का ये मनपसंद क्वेश्चन उनको पता होता है लेकिन उनको फिर भी जानना होता है कि सैलरी कितनी होगी। देखिए अभी तो सैलरी आपकी लगभग मैंने जैसे पहले भी बताया 35 के अराउंड आपकी रहेगी रहेगी, और लेकिन अभी जब तक आप ज्वाइन करोगे तो तब तक DA भी बढ़ चुका होगा आपका, और हो सकता है DA
के साथ साथ एचआर भी बढ़ जाए, तो आप उसके बाद लगा लीजिए 36 आपके ज्वाइनिंग के समय तक हो सकती है आपकी। ठीक है, ये लगभग आपकी 35-37 हज़ार के आसपास सैलरी इसमें रहने वाली है, इन हैंड बिल इन एंड रहेगी आपकी, मतलब ग्रोथ सैलरी से कट के इन एंड रहेगी, ग्रोथ सैलरी से थोड़ी ज्यादा रहेगी सर। और बच्चे डीएसएसबी में थोड़े चिंतित ये रहते हैं कि उनको ये रहता है कि हमने तैयारी कर ली है, क्या हम पास होंगे कि नहीं होंगे, घबराहट सी भी उनको रहती है, तो मोटिवेशन के लिए वो क्या करें? मोटिवेशन के लिए देखो सबसे पहले तो यही है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे जो मेन काम है आपका वो क्या, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले बहुत ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे, और मॉक टेस्ट तो मान लीजिए आपको एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 20 से 30 मॉक टेस्ट आप कर चुके होने चाहिए जब तक। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे आप सबको पता आपका एग्जाम होना है, एग्जाम के बाद आपकी एक कट ऑफ लगेगी, कट ऑफ के बाद आपकी रहती है टाइपिंग। एक और बच्चों का क्वेश्चन रहता है सर कि जब ये एग्जाम देंगे और जो टाइपिंग होगी उस दौरान इनको कितना समय मिलता है टाइपिंग की तैयारी के लिए? सर मान के चलिए आप, आपको 1 से 2 महीना तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं तो बोलूंगा अगर आपकी एग्जाम जिस भी दिन आपका एग्जाम हो जाता है तो आपको लगभग अप्रोक्सीमेट अंदाजा लग जाएगा आपका क्या स्कोर रहेगा, तो आप उसी दिन से टाइपिंग आपकी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को भाई बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती तो वो पहले भी शुरू कर सकता है, वेट करना कोई ज्यादा जरूरी है नहीं। ये ना सोचे कि अभी तो मेरी पेपर की तैयारी नहीं है तो मैं पहले पेपर की तैयारी करूंगा, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, तो दोनों चीजें आप साथ साथ करें कोशिश करने की। तो इस तरीके से रहेगा सर, फिर टाइपिंग होती है, टाइपिंग के बाद डीवी होगी, फिर इन सब की जो है ना ज्वाइनिंग रहती है। टाइपिंग के बाद आपका ई डोजर मंगाए जाएंगे, मतलब एक डीएसएसबी की वेबसाइट पे एक लिंक ओपन किया जाएगा, उसमें आपकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है सर बच्चे ज्वाइनिंग करने के बाद, या इनके दिमाग में पहले से भी आता था, हमारे दिमाग में भी था जब हम तैयारी कर रहे थे, प्रमोशन वगैरह का क्या रहता है इसमें? मैं बताना चाहूंगा इसमें प्रमोशन आपके काफी अच्छे रहने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट आप जैसे सिलेक्ट होते हैं उसके बाद अगला नेक्स्ट प्रमोशन आपका होगा 6 साल के बाद एज ए सीनियर असिस्टेंट, और 6 साल के बाद सीनियर असिस्टेंट होने के बनने के बाद आपको 8 साल के बाद फिर आप बन सकेंगे एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और 8 साल में एएसओ बनने के बाद आपको फिर 6 साल और चाहिएंगे, और 6 साल के बाद आप बन पाएंगे एसओ जो कि एक गजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो आप अगर आप जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो आप गजेटेड ऑफिसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो लगभग 4 प्रमोशन देखने को मिल सकते हैं, प्रमोशन आपको 4 देखने को मिलेंगे, और मैं कहता हूं ये काफ़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। इवन कई मेरे साथी हैं जो एसएससी में भी सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन उनको बाहर की स्टेट मिली है, तो वो वहाँ पे छोड़ छोड़ के जॉब यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, कर चुके हैं मतलब। ओके, वर्कलोड क्या रहता है सर, कुछ वर्कलोड कितना रहता है, काम क्या रहता है, टाइमिंग क्या रहती है? सर वर्कलोड तो आपका ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको आपकी ट्रेनिंग भी होगी उसकी आपको चिंता नहीं, अगर आपको काम नहीं आता है तो। वर्कलोड आपका मॉडरेट रहेगा, बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी डिपार्टमेंट आपको डेली सेक्रेटेरिएट मिलता है तो आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, आपको सेक्रेटेरिएट में आपको कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी, आपको सभी फैसिलिटीज मिलेगी वहाँ पे, थोड़ा आपको काम सीखने को मिलेगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम सीखने के लिए, तो वर्क लोड की चिंता मत कीजिए, वो नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। टाइमिंग क्या रहती है सर? सर अगर आपकी सैटरडे ऑफ वाला ऑफिस है तो आपकी 10 से लेकर 6 बजे तक, अगर सैटरडे ऑफ नहीं है तो 10 से 5 बजे तक, ये 9:30 या 10 कुछ ऑफिसेज पे डिपेंड है उनके अकॉर्डिंग रहता है। मतलब अगर सैटरडे ऑफ है तो थोड़ा टाइमिंग ज्यादा होगी, सैटरडे ऑफ नहीं है तो कम होगी, वो कुल मिला के जो टाइमिंग ज्यादा उसी में आपके सैटरडे को कवर कर लेते हैं, ये रहता है। तो ये वर्कलोड की बात होगी हमारी। सर एक और बच्चों का कॉमन क्वेश्चन रहता है कि वो इस एग्जाम मतलब इसमें सेलेक्ट होने के बाद वो किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे, बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे, तो क्या वो समय निकाल पाएंगे जॉब के साथ तैयारी करने का? जी मैं कहूँगा बिल्कुल आप समय निकाल पाएंगे, क्योंकि आप एक जगह स्टेबल हो चुके होंगे तो आप माइंड भी आपका टेंशन फ्री रहेगा, और क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है नहीं, और आपको अगर सैटरडे की छुट्टी मिल रही है तो 2 दिन आपके पास कंप्लीट है, ऑफिस के बाद भी अगर आपके पास घर जाने के बाद सफिशेंट टाइम रहेगा तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जी
तो अनुज सर से हमने जाना कि भाई किस किस तरीके की ये जॉब है, क्या इसमें प्रमोशन है, क्या इसमें वर्कलोड है, क्या इसकी टाइमिंग रहती है टाइपिंग वगैरह के बारे में और इन सब के बारे में। एक बात आप सबको पता चल चुका है कि एग्जाम इसके फॉर्म भरने क्लोज हो चुके हैं, केवल 1,12,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी तैयारी करने के लिए। तैयारी के लिए आप ग्रो अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। गाइडेंस के लिए अनुज सर का खुद का एक चैनल है DSSC बाय अनुज, आप वहां जाकर के गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं कि भाई कैसे क्या रहता है, इन्होंने 46 वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन लिया था। तो फिर भी अभी कुछ बचता है तो आप फिर बता दीजिए भाई, हम फिर कोई ना कोई कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ करने की, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग कि जूनियर असिस्टेंट में आपको जो जो चाहिए, कोर्स चाहिए हमने कोर्स दे रखा है आपको, सिलेक्टेड जो बंदे हैं उनसे भाई कुछ और पता करना है कि सर क्या कुछ रहता है वो भी हमने आपको बता दिया है, हम प्रैक्टिस बैच भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको दी जा रही है भाई, फिर भी आप सिलेक्शन नहीं लेते तो फिर कहीं ना कहीं आपकी कमी है। आप सबको पता है कि सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है भाई, लगातार ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, अपनी कमियों पर करना है काम और अपने माँ बाप का कहना मानना है, इससे आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नमस्कार। धन्यवाद सर।